बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने ICS पार्ट 2 की बुक के चैप्टर नंबर 1 कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को मुकम्मल कर लिया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ICS पार्ट 2 की बुक के चैप्टर नंबर 2 को, विच इज एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। जैसे कि आप सब जानते हैं कि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर में हम किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि ये चैप्टर एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट से रिलेटेड है। जो सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो होगा व्हाट इज एन एल्गोरिथम, यानी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं और किस तरह से किन रूल्स के मुताबिक इनको बनाया जाता है। इसके बाद हम सूडो कोड की डिटेल्स देखेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फ्लो चार्ट्स। दोस्तों, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले उसका एल्गोरिथम, सूडो कोड और फ्लो चार्ट्स को ड्रॉ किया जाता है। उसके बाद दोस्तों, फ्लो चार्ट्स भी कई तरह के होते हैं, तो उनमें हम सबसे पहले कंट्रोल स्ट्रक्चर फ्लो चार्ट्स देखेंगे, जिसके अंदर हम सीक्वेंशियल फ्लो चार्ट्स, सिलेक्शन फ्लो चार्ट्स और रिपीटेशन फ्लो चार्ट्स की डिटेल्स देखेंगे। और दोस्तों, उसके बाद हम लूप्स और उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम फॉर लूप, डू व्हाइल लूप और व्हाइल लूप के डिटेल्स आपसे डिस्कस करेंगे। और आखिर में हम कवर करेंगे फ्लो चार्ट को बनाने के रूल्स, यानी फ्लो चार्ट किस तरह से बनाए जाते हैं और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, इसकी डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। तो दोस्तों, ये वो तमाम टॉपिक्स थे जो कि हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। अगले लेक्चर में हम बाकायदा आगाज करेंगे टॉपिक नंबर 1, विच इज व्हाट इज एन एल्गोरिथम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।